हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो हम मतलब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ECD यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइस, तो इसमें भी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो है पिछले साल का 2019 का है, तो इसमें भी देखते हैं कौन से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन करने रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हिंदी अनुवाद, कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं 2083 है। अगर आपको इंग्लिश वर्जन चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक है, इसको आप डाउनलोड करके इंग्लिश में आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो पहला क्वेश्चन जो है मतलब पहला खंड है, इसमें दो क्वेश्चन करने रहेंगे और वो भी पांच नंबर के, मानी दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन पांच नंबर का। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप क्वेश्चन को देख लें, उसके बाद आपको इसको प्रेस्टिक कर सकते हैं, इस साल भी पूछ सकते हैं। तो जो है पहला क्वेश्चन, अंतरिक्ष व चिकित्सीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स के उपयोगों की व्याख्या कीजिए। उसके बाद है जो प्रतिरोधक के कलर कोडिंग की चर्चा कीजिए, कार्बन फिल्म प्रतिरोधक की विशेषताओं का भी वर्णन कीजिए। उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र के निर्माण व विशिष्टताओं की व्याख्या कीजिए। तो ये हो गए। अब उसमें दूसरा जो प्रश्न उत्तर दूसरा, उसमें देखिए जो है ये भी ये देखो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन इसमें करने हैं, नहीं कि चार क्वेश्चन, और जो चार है वो तीन नंबर का आता है। तो मतलब एक क्वेश्चन तीन नंबर का, उसमें आपको चार क्वेश्चन करना है। तो इसमें जो है वोल्टेज डिपेंड प्रतिरोधक यानी BDR, तो उसके बाद की कार्यप्रणाली का वर्णन करना और विशेषताओं को लिखना। उसके बाद है माप वोल्टेज सहनशीलता ताप आवृत्ति निर्भरता के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के प्रतिरोधकों की तुलना कीजिए। ये होगा। उसके बाद है जो अस्थाई वोल्टेज स्रोतों एवं प्रतीक और तथा ग्राफिकल चित्रण की चर्चा कीजिए। उसके बाद धारा स्रोत तथा वोल्टेज स्रोत में रूपांतरण की व्याख्या कीजिए। फ्लोटिंग तथा ग्राउंडेड DC सप्लाई से आप क्या समझते हैं। उसके बाद जो है तीसरा जो है उसमें देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है, इसमें जो है इसमें तीन क्वेश्चन करने हैं और ये चार नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो ये जो है PN जंक्शन में प्रवाह में धारा प्रवाह की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। इसके बाद है जीनर ओएम एवा लांचे ब्रेक डाउन में विभेद कीजिए। उसके बाद अग्रवर्ती व पश्चवर्ती बायस स्थिति में जंक्शन धारिता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। बैरेक्टर डायोड की कार्यप्रणाली की व्याख्या कीजिए। इसके प्रत्येक BI अभिलक्षण तथा उपयोग भी बताइए। अब क्वेश्चन नंबर चलिए देखते हैं चार। उसमें देखिए प्रश्न चार में जो है किन्हीं दो पे उत्तर करना, और जो पूरे क्वेश्चन है ये हम चार नंबर के एक क्वेश्चन। तो इसमें है गैरात्मक इनपुट व आउटपुट प्रतिरोध, करंट गेन तथा लीकेज करंट के संदर्भ में CB और CE कॉन्फिग्रेशन की तुलना कीजिए। मतलब कलेक्टर और बेस तथा कलेक्टर और मीटर कॉन्फ़िगरेशन की तुलना करना है। उसके बाद है विभिन्न ट्रांजिस्टर बायसिंग परिपथ के ऑपरेटिंग पॉइंट को निर्धारित करने की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। उसके बाद जो है एकल स्टेज CE माने कॉमन इमीटर प्रवर्धक परिपथ का आरेख बनाइए, इसमें सभी परिपथ आयोग के महत्व की व्याख्या कीजिए। उसके बाद जो पांचवा है देखिए, इसमें क्या है दो पर संक्षिप्त वर्णन करना है, दो क्वेश्चन जो है चार नंबर के, यानी कि आप GFT MOSFET और CMOS मतलब दो तीनों में से दो क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका होता है मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और इसका होता है कॉम्प्लीमेंट्री MOSFET मानी यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसका फुल फॉर्म ये हो गया। अब इसके बारे में संक्षिप्त वर्णन करके आप क्वेश्चन देख लें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। कुछ सुझाव या कोई क्वेश्चन और किसी चीज़ का पेपर चाहिए तो कमेंट करके हमें बताएं।